गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आप सभी का मोटेल मैनेजर सिम्युलेटर के एक और चिंगारी एपिसोड में। आज का एपिसोड सच में काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास में होने वाली है पैसों की बारिश। थोड़े बहुत पैसों की बात नहीं कर रहा मैं, हज़ारों डॉलर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मैं इस भंगार सी जगह को, जो हमारे दादा ने हमें बिल्कुल ऐसे मुफ्त में देकर गए, मैं चाहता हूँ मैं इस जगह को बिल्कुल लग्जरी में कन्वर्ट कर दूँ। मतलब ये सूखे सूखे पहाड़ देख रहे हो, ये जंगल के बीच में लग्जरी मोटेल, लग्जरी ग्रॉसरी स्टोर, लग्जरी पेट्रोल पंप हो, वो भी हमारा हो। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास में अभी सिर्फ 3 रूम है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बेसिक से, इससे हम 200-300-500 डॉलर कमा रहे हैं। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर अपने पास में कम से कम 15-20 रूम हो, एक टाइम में 25-50 कस्टमर अपने पास में आकर रुके, रोज़ की इनकम कम से कम 5-10 हज़ार डॉलर की हो, साथ ही साथ ग्रॉसरी स्टोर हमारा काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो, हर एक टाइप का प्रोडक्ट और जूस और जो भी चीज़ें चाहिए वो सारी की सारी अपने पास में अवेलेबल हो। फिलहाल में मैं पेट्रोल पंप पर सिर्फ 400 लीटर पेट्रोल रिजर्व करके रख सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ यहाँ पर कम से कम 2-3 हज़ार लीटर पेट्रोल अपने पास में स्टॉक में पड़ा रहे। बट इसके लिए अपने को लगने वाले हैं बहुत सारे पैसे। अभी हम पैसे कमा रहे हैं बट उतने ज़्यादा नहीं कमा रहे। अगर मेरे को कोई भी चीज़ मंगानी हो तो मेरे को पहले यहाँ वहाँ से पैसे जोड़ने पड़ रहे हैं, उसके बाद में ही फिर हम कोई भी चीज़ अपग्रेड कर पा रहे हैं। बट आज के बाद से ये सारी चीज़ें नहीं होगी, क्योंकि आज के एपिसोड में हम इतना सारा पैसा कमा लेंगे कि जो बेसिक वाले रूम है ना, इन सबको हम लग्जरी में कन्वर्ट कर देंगे। तो प्लान काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। आज ना हम ग्रॉसरी स्टोर ओपन करने वाले और ना हम पेट्रोल पंप ओपन करने वाले, आज हम सिर्फ और सिर्फ मोटेल वाला बिजनेस करने वाले हैं। मतलब सिर्फ हम रूम रेंट पर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इनकम ना अपनी यहीं से हो रही है। बस अपने को एक चीज़ करनी है, जो भी कस्टमर रूम खाली करके जा रहा है, रूम को रेडी करना है, जाकर सो जाना है। जैसे उसका टाइम हो जाएगा, न्यू वाला कस्टमर आएगा, हम दोबारा से रूम रेडी करेंगे और फिर जाकर सो जाएंगे। क्योंकि 300-500 डॉलर अपने को एट अ टाइम यहाँ से कभी भी मिल रहा है, और इतना सारा पैसा ना पेट्रोल पंप से मिल रहा है ना ग्रोसरी स्टोर से मिल रहा है। लास्ट एपिसोड में हमने तीनों रूम रेंट पर देकर गए थे, जिसमें से ये वाला रूम हो चुका है खाली, और इस रूम की बच चुकी है बहुत गंदी वाली बैंड। तो पहले करते इस रूम की अच्छी वाली साफ सफाई, उसके बाद में देंगे इसको रेंट पर। बाथरूम में कोई चीज पड़ी हुई है ना? बाथरूम में कुछ भी नहीं है सिवाय मिट्टी और कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिट्टी पड़ी हुई है, और कुछ है ना। वैसे ये रूम भी ना अभी काफी ज्यादा बेसिक सा है, बट यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें आएगी। 600-700 डॉलर मेरे पास में है, 676 डॉलर है अपने पास में, बट इतने पैसे के अंदर कुछ होने नहीं वाला। रुक जाए, काम करते, ये ले लिया ब्लैंकेट, ये ले लिया चादर, ये तीनों भी चीज़ को डाल देते हैं पहले वॉशिंग मशीन में, उसके बाद में जाएंगे कूड़ा कचरा फेंकने के लिए। 1, 2, 3 ऑलरेडी एक चीज़ पड़ी हुई है यहाँ पर, एक काम कर दो फिर, जो गंदा सा पता नहीं है क्या है, जो भी है वॉशिंग मशीन ऑन करो, साफ होने के बाद में देखा जाएगा। रूम हो चुका अपना नीट एंड क्लीन। वैसे 600 डॉलर के अंदर अभी 2-4 चीज़ें मैं और मंगा कर यहाँ पर लगा सकता हूँ, बट नहीं करने वाले। अभी सिर्फ और सिर्फ सोना है, पैसे जमा करने, सोना है, पैसे जमा करने, और कुछ नहीं। या फिर मंगा लूँ, हैं, मंगाऊँ या फिर नहीं मंगाऊँ। चलो एक काम करते, फिलहाल में रूम के अंदर टॉवल, चादर और ब्लैंकेट तो रख के आते। अपने को एक टॉयलेट पेपर भी लगेगा ना, टॉयलेट पेपर ले लिया, चलो ठीक है, वेरी नाइस। रेड ब्लैंकेट वॉशिंग मशीन में है, जब तक कि ये वाला रख देंगे। टॉयलेट पेपर ऐसे नहीं रखना भाई साहब, बिल्कुल इज्जत के साथ में। ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट बिछा दो, एक चादर लगेगी, चादर भी बिछा दिया, टॉवल यहाँ पर, टॉयलेट पेपर यहाँ पर, इसके होल्डर वगैरह, वो हर एक चीज, मतलब रूम के अंदर ना पूरी डिटेलिंग के साथ में काम होगा, बट पैसे आने के बाद में। ये हो गया रूम रेडी। जब तक वैसे ये दो रूम को खाली होने के लिए कितना टाइम है, एक बार चेक कर लेते हैं। मोटेल को कर देता हूँ मैं ओपन, एक रूम तो मैं कम से कम अभी रेंट पर दे सकता हूँ। देखो ये रूम होगा 9 मिनट बाद खाली, और ये होगा 1 घंटे बाद खाली, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तो अभी तो कोई आने से रहा अपने पास में, चलो चुपचाप से जाकर लेट जाते, टाइम ऐसे ही भाग जाएगा फुल गोली की रफ्तार में। कस्टमर आया, कस्टमर आया, कस्टमर आया। मैम आपको क्या चाहिए? 1 बेडरूम, ठीक है, होल्ड ऑन मैम। रूम की चाबी, अरे रूम की चाबी कहाँ है? 1 सेकंड, मेरी रूम, अरे बॉटल कहाँ फेंक दिया मैंने, इस रूम की चाबी कहाँ है? मेरे पास तो चाबी नहीं है कोई भी। हेलो मैडम, ने मेरे को चाबी देकर गए थे या नहीं? मैम 1 सेकंड रुकना, बस चाबी के लिए कहाँ पर, रिटर्न ऑल रूम की, यहाँ पर आवाज़ तो आ रही है यार रूम की। अरे ना, रूम 3 तो है भाई, वो रूम 3 है, मैं रूम के अंदर ही कन्फ्यू, क्या पैसा कमाऊंगा मैं, है इसको कितना, 86 डॉलर के लिए 12 घंटे के लिए चाहिए। चल ठीक है, तू जाकर 12 घंटे के लिए आराम कर, जब तक मैं सोकर उठता हूँ, अभी भी 1 घंटा बता रहा है भाई।
कुछ नहीं करना अपने को, अपने को करना है बस आराम, ठीक है? आराम करना है, पैसे कमाना है, आराम करना है, पैसे कमाना है। दिमाग को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। पहले बहुत मेहनत कर लिया बट ये वाली चीज़ मेरे दिमाग में आई नहीं। थैंक यू सो मच तुम लोगों का, इतने प्यारे प्यारे कमेंट कर रहे हो और इतने सारे आइडिया दे रहे हो कि मेरा दिमाग भी ऐसे बिल्कुल गोली होता जा रहा है। अब चेक करते हैं कि अभी का क्या सीन चल रहा है, टाइम कितना गया। ये 13 सेकंड में खाली हो जाएगा, ये 54 मिनट में और ये 3 मिनट में, ठीक है? चलो 13 सेकंड में खाली होगा ना। इधर से क्या क्या, एक दो तीन, तीनों चीज़ें आ गई, जिसमें से रेड वाली तो ब्लैंकेट है, ये वाला टॉवल है और ये वाली बेडशीट है, ठीक है? ये सब एक्स्ट्रा में, और ये पता नहीं क्या गंदा है, इसको चालू कर देते। मैम हो गया क्या आपका? लाओ दो चाबी दो फटाफट से। कितना 36 आर के लिए लिया था तुमने, चेकआउट हो गया। ये चाबी उसकी जगह पर, रूम वन की चाबी है ये। रूम वन का क्या हाल है? रूम वन का बहुत गंदा हाल है, बहुत बुरी तरीके से वाट लगाई है, कितने घंटों से पड़ी हुई थी पता नहीं है यार। लोग आते पूरी की पूरी बैंड हो जाकर चले जाते हैं, बट कस्टमर है वो थोड़ी घर के जैसी साफ सफाई रखेंगे। सिंपल दिमाग लगा ना बे, ज्यादा क्यों टेंशन ले रहा है। और हाँ एक चीज तो बताना भूल गया, मैंने एसी का आउटलेट लगाया है यहाँ पर, देख रहे हो? एसी अब अपनी वर्क करेगी, ठीक है? पहले के जैसा मामला नहीं रहा। चलो ये ब्लैंकेट, ये चादर, ये बेडशीट, तीनों भी सीधा, ये तो धुल रहा है अभी, ये तीनों भी इधर ही फेंक दो। अपने को लगेगी टॉवल, चादर और ये वाली ब्लैंकेट, ठीक है? ये वाली लगा दे रहा हूँ इधर, टॉवल और टॉयलेट। अरे टॉयलेट पेपर नहीं लेके आया ना मैंने, ठीक है? हेले भाई बेडशीट भी लगा दिया, सिर्फ टॉयलेट पेपर लगाना है यहाँ पर मेरे को। टॉयलेट पेपर तो है अपने पास में, एक्स्ट्रा में पड़ा हुआ है। $763 की इनकम हो गई भाई आते के साथ। रूम दोबारा से रेडी, अब कोई और चीज़ का टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो घड़ी है, घड़ी को बिल्कुल टीवी के ऊपर लगा देते, पहले साइड में लगी हुई थी। फैन भी है, सारी चीज़ें हैं। रूम थ्री तो चला गया ना रेंट पर। हाँ पता नहीं अंदर जाकर खड़ी हुई है येड़ी, और तो कुछ कर नहीं रही। रूम वन के अंदर और क्या चीज़ें कर सकते हैं अपन? रूम वन तो रेडी हो चुका, इसका एक्सपेक्टेड रेंट $30 का है, जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है? बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। एसी वर्क कर रहा है ना अब, क्योंकि मैंने वो लगा दिया, वो एसी जो आउटलेट चाहिए था। आउटडोर, नो आउटडोर यूनिट। अरे आउटडोर यूनिट लगाया ना, हेलो ये कहाँ लगा हुआ अब मैं आउटडोर यूनिट? इसको भी क्या कोई चीज़ से मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा क्या? अभी तक तो नहीं दिख रहा। मैम वो सॉरी सर, आइए, हमारे यहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी नहीं होती है। नो आउटडोर यूनिट, यार एसी तो लगा हुआ है ना, फिर क्या दिक्कत है मेरे को? क्या आउटडोर को कई दरवाजे के ऊपर या इधर साइड में लगा कर चेक कर दो एक बार। अब अगर प्लग बिफोर पिकिंग द ऑब्जेक्ट, अरे मेरे को कोई चीज़ उठानी नहीं है बे, बस मैं वो कर रहा हूँ। यार नो आउटडोर यूनिट क्यों बता रहा है, मेरे तो ये समझ भी नहीं आ रहा भाई, हैं? पता नहीं क्या हो गया है। ये एक और बेडशीट पड़ी हुई है, जब तक ये तीनों चीज़, एक दो तीन, चलो स्टार्ट, चलो जाकर सो जाते हैं। $763 है अपने पास में यार। इसके अंदर भी बैठ में बहुत, और ऑफिस में कस्टमर है, कस्टमर कस्टमर कस्टमर। हाँ मैम बताइए आपको। I was in room 3 for 12 hours. Thank you. Hello. ये लगा दिया अपन ने चाबी। सर आपको क्या रूम चाहिए, हैं? कौन सा वाला रूम चाहिए? वन बेड वाला ना। वेट फॉर अ मिनट, यहाँ पर एक चादर, एक ब्लैंकेट, टॉयलेट पेपर और टॉवल कहाँ है? हाँ ये टॉवल, एक सेकंड आप भी टिक करके देता हूँ। ये रूम 3 है ना, ये फेंक दिया। पहले तो ये उठाना पड़ेगा भाई, पूरी की पूरी वाटर लगी है। हेलो टॉयलेट पेपर यूज ही नहीं हुआ, चलो ठीक है ये अपना बच गया। बाकी का वॉशिंग मशीन चालू है, एक दो तीन ये फेंक दिया। सर एक मिनट में बस रूम रेडी कर रहा हूँ आपका, ठीक है? ब्लैंकेट लग गई, चादर लग गई, टॉयलेट पेपर तो है, कूड़ा कचरा नहीं, ये तो टॉवल है ना, टॉवल बिल्कुल नीट एंड क्लीन। झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा झाड़ू पोछा, फुल टकाटक रूम कर देना है बिल्कुल भी। हो गया, बस ये जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है एक दा, अरे ना ये तो टॉयलेट पेपर है। हो गया रूम बिल्कुल नीट एंड टाइटी। दरवाजा लगा दो, ये भी दरवाजा। सर मिल जाएगा आपको रूम, ले लो। रूम 3 था ना वो, हाँ। अरे 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 चाबी पटक के नहीं देनी, कस्टमर है वे, इज्जत के साथ में दो चाबी, ठीक है? सर ये लो, टेक दिस रूम, 96 आर के लिए चाहिए, देख रहे हो? $454 दे रहा है अपने को, पैसा दे रहा है बहुत ज़्यादा। अपने को बस ब्लैंकेट और इसका पैसा नहीं मिल रहा यार, रेड वाली ब्लैंकेट लगा देता ना तो पैसा मिल जाता, बट चलो ठीक है कोई ना। एक दो तीन, इसमें से ये चादर, ये टॉवल और ये ब्लैंकेट। गंदा क्या क्या है, एक दो तीन। हेलो भाई
फुल नीट एंड टाइडी, वॉशिंग मशीन भी स्टार्ट। आहा, क्या स्पीड में काम कर रहे हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा स्पीड में काम कर रहे हैं हम। टॉयलेट पेपर, ये टॉयलेट पेपर को ना इधर रख के खोल देते डिब्बा और इधर से मैनेज करेंगे अब, ठीक है। ये ब्लैंकेट, ये ब्लैंकेट का सेक्शन इधर से ही रहने देंगे, चादर का सेक्शन यहाँ पर, टॉवल का सेक्शन यहाँ पर, टॉयलेट पेपर यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से उठाना है बस, रूम के अंदर भाग जाना है। 1200, अरे भाई 1217 डॉलर हो गए अपने पास में, इसके अंदर तो अच्छा खासा माल आएगा। चलो ठीक है फिर, एक काम करते हैं हम ना सबसे पहले अपग्रेड के अंदर जाते हैं, और वेयरहाउस को नहीं, स्टाफ रूम को भी नहीं, मोटेल को अपग्रेड करते, एक और रूम ले लेते 500 डॉलर में। आहा चिकना चिकना चिकना, आहा चिकना चिकना चिकना, ए लो एक और रूम आ गया है। पूरी रूम की बैंड बजी हुई है। स्कैनर से कोई चीज बिकेगी नहीं, ये स्कैनर से कोई भी चीज नहीं बिकती, ठीक है, सिर्फ नया वाला सामान जाता है। चलो ठीक है, कोई ना, लग जाओ भाई फटाफट से काम के अंदर लग जाओ। ये कितना कूड़ा कचरा है भाई इधर है, कुछ ज्यादा ही है ये तो। ये लकड़ी आ गई, बोतल आ गया, और क्या है। मैंने ना एक और रूम से अच्छा अगर सामान मंगा लेता ना, वो ज्यादा बेटर था, बट चलो ठीक है कोई बात नहीं। 1 2 3 4 5 चीजें चलो फेंक के ही आ जाते हैं ना सीधा सीधा, क्यों बाहर पसारा करूँ फिर डबल जाऊँ। ए लो भाई सारा कूड़ा कचरा कूड़ेदान में गया। चार चार रूम हो चुके, 1 2 3, और कुछ नहीं करना है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं है बड़ा सामान उठाया जैसा, बस झाड़ू मारना है और काम अपना हो जाएगा। मोटेल को मैं इसीलिए अपग्रेड कर रहा हूँ कि एक ही बार में ना 400 डॉलर 500 डॉलर इतना सारा पैसा मिल रहा, जो कि बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है भाई, है कि नहीं। ग्रोसरी स्टोर में कहा चिल्लर अभी जमा करते बैठो, फिर उसके बाद में फिर थोड़ा बहुत पैसे आ रहे, थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करो, उसके अंदर कहाँ मजा है इतना। अब मेरे पास में कुछ एक्स्ट्रा सामान तो नहीं होगा, कुछ भी नहीं मेरे पास में एक्स्ट्रा सामान। ये रूम हो गया रेडी, अब रूम का बारी बारी सारा का सारा सामान आएगा। इक्विपमेंट सबसे पहले मेरे को चाहिए यहाँ पर 99 डॉलर का बेड, ठीक है। उसके बाद में सबसे बढ़िया वाली जो ब्लैंकेट है जो मेरे को बोनस देगी, ऐसी कोई भी ब्लैंकेट नहीं है जो बोनस दे रही है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, उसके ऊपर ग्रे वाली ब्लैंकेट, ठीक है। उसके बाद मेरे को चाहिए, अरे नहीं ये तो बेडशीट है ना, मेरे को चाहिए ब्लैंकेट जो मेरे को बोनस दे, बट ब्लैंक ये वाली ब्लैंकेट दे रही है भाई बोनस, 34 डॉलर की है, चलो ठीक है ये वाला डन। पीलो मेरे को चाहिए 30 डॉलर वाला, वो भी दो, ठीक है। ब्लैंकेट भी दो मंगा लेता हूँ इसकी ऐसी की तैसी, और बेडशीट भी ना दो कर लेते हैं, क्योंकि बड़ा वाला बेड लग रहा है, हो सकता है उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा हो, तो दो अपन ने पीलो कर लिया। डोर मेरे को चाहिए रेड वाला है, रेड वाला मस्त रहेगा। हाँ चलो दो रेड वाले डोर, नहीं दो नहीं सिर्फ एक रेड वाला डोर, और अंदर का जो रूम होगा वो सादा वाला, अंदर का जो दरवाजा होगा वो सादा वाला। लैंप लेंगे अपन, और 80 डॉलर का इसकी ऐसी की तैसी, और बाथरूम की जो लाइट है वो नॉर्मल ये वाली, ठीक है। बाथटब आएगा एकदम बड़ा वाला, सिंक आएगा सबसे बड़ा वाला जो 7 डॉलर दे रहा है, टॉविल ये वाला टॉविल यूज करेंगे जो 3 डॉलर दे रहा है, ठीक है। 777 मेरा बिल अभी हो गया, कोई बात नहीं। टॉयलेट लेंगे सबसे बड़ा वाला, उसके बाद में टॉयलेट पेपर, ये वाले जो टॉयलेट पेपर है पैसे दे रहे हैं, बाकी ये वाले टॉयलेट पेपर 25-25 पैसे दे रहे हैं। इसको रेड वाला टॉयलेट पेपर मंगाऊं क्या, या हीटर, नहीं नहीं हीटर भी चाहिए मेरे को एकदम बड़ा वाला। 932 डॉलर हो गया। अरे सर आपको क्या चाहिए, रूम फॉर वन, आई एम सॉरी सर बट सॉरी नो रूम्स अवेलेबल फिलहाल, तो कोई भी रूम, अरे है भूल गया था मैं, ए रुक जा ए बेटे, अरे बेटे रूम है हम, अरे यार गड़बड़ी हो गई वो सामान के चक्कर में, चलो ठीक है कोई ना। अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा आराम फरमाते हैं जब तक वो लोग का टाइम हो जाएगा, जब तक नया वाला कस्टमर आ जाएगा, आ जाएगा क्या, आ गया तुमको पगली, क्या हुआ तेरे को, ये ले रूम वन की चाबी रख, और टेक दिस रूम 180 डॉलर, थैंक यू। आहा क्या ही मोटी कमाई हो रही है, ये चीज मेरे एपिसोड 1 में क्यों नहीं आई, वैसे एपिसोड में हमेशा हम लोग होते हैं, एपिसोड 2 में भी नहीं आई, 3 में भी नहीं आई, 4 में आ रही है, कोई बात नहीं। लो फुल एनर्जी भाई, फुल एनर्जी, सो जितना सोना है सो, आराम करो चिल करो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। यार वो वाले बंदे को दे देता ना मैं रूम तो मस्त काम हो जाता। ये मेरा डबल बेड वाला रूम खाली क्यों नहीं हो रहा है, डबल बेड वाला रूम 35 मिनट और है इसको खाली होने के लिए भाई, बहुत ज्यादा।
$905 है मेरे पास में। यू कांट स्लीप नाउ, चेक योर ओवर स्लीप बार। अरे मैं ज्यादा सो लिया क्या? चलो ठीक है, ज्यादा सो लिए तो क्या हो गया, पेट्रोल पंप ओपन कर लेंगे, जब तक पेट्रोल का काम कर लेंगे। मैं आता हूँ, पहले चिप्स खाते भाई। आहा आहा आहा, ओवर स्लीप कर लिया भाई हमने, ओवर स्लीप। कोई बात नहीं ना, ओवर स्लीप कर भी लिया तो होता रहता है। ये लो, मैं जब तक गैस स्टेशन ग्रोसरी स्टोर दोनों भी ओपन कर देता हूँ। ₹900 है अपने पास में, अच्छा खासा पैसा है, बचा के रखो। सिर्फ $932 चाहिए मेरे को, $932 के अंदर अपना फुल टैटड़े काम हो जाएगा। अभी लेट सकता हूँ, अरे फिर लेट सकता हूँ मैं। लो कस्टमर आने तक फिर लेट जाते हैं, जैसे कस्टमर आएंगे उठ के भाग जाएंगे। चलो कस्टमर एट शॉप, कस्टमर आते के साथ में सीधा भागो भाई काम करने के लिए। इंतजार करने कौन गया वापस? हैं तुम वापस चले गए थे? नहीं ना, $908 है अपने पास में। साफ सफाई बिल्कुल एकदम चकाचक होने चाहिए अपना, हर एक चीज नीट एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन। बट एक सेकंड, क्या तुमने लाइक का बटन दबाया है? नहीं दबाया तो क्या कर रहे हैं? क्यों ऐसे कंजूस बने फिरते हो? इंजॉय कर रहे हो, लाइक का बटन दबाओ, मजा आ रहा है, सब्सक्राइब का भी बटन दबाओ अगर तुमने अभी तक भी नहीं सब्सक्राइब किया। वैसे बहुत सारे लोग वीडियो देखते सब्सक्राइब नहीं करते, तो ऐसे कंजूसी तुम ना करो, ठीक है? तुम सब्सक्राइब कर दिया करो। अभी और कस्टमर नहीं है, ना पेट्रोल पंप पे कस्टमर है, ना यहाँ पर कस्टमर है। वक्त कितना वक्त? 20 मिनट, 32 मिनट, 1 घंटा। चलो ठीक है, अभी तो कोई भी नहीं है। लेट जा भाई, आराम फरमा, तू आराम फरमा कस्टम। अरे यार सुकून से लेटने भी नहीं देते, अभी लेटा नहीं तो कस्टमर आके खड़ा हो गया। कोई बात नहीं, आओ आओ, दो पैसा देके जा रहे हैं ना, बस कितना कितना सारा सामान खरीद के जा रहे हो। हैं कितना सारा सामान खरीद के जा रहे हो? मैं इधर ना वॉशिंग मशीन के अंदर ये भूल गया था, 1 2 3, इसमें से ये ब्लैंकेट, ब्लैंकेट की जगह पर चादर, चादर की जगह पर टॉवल, टॉवल की जगह पर नीट एंड टाइडी, वेरी नाइस। आ रहा हूँ सर, 1 मिनट। यार मेरे पेट्रोल पंप पर अभी तक बंदे आए क्यों नहीं? इतना सारा पेट्रोल तो मैंने रिजर्व करके रखा हूँ है। मेरे को ऐसा लग रहा है शायद से मेरे को प्राइस कम करना पड़ेगा, हो सकता है। बताओ, जमीन के क्रैक को झाड़ू से साफ कर रहा हूँ मैं। साफ सफाई का कीड़ा बहुत गंदा होता है। $923 हो गए, $10 चाहिए मेरे को बस, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ $10 चाहिए मेरे को। कस्टमर एट फ्यूल, कस्टमर एट शॉप, दोनों जगह कस्टमर आ गए। पहले डालूंगा पेट्रोल, क्योंकि अगर ये 30-32 लीटर इसको एक पारी में लग गया तो मज़ा आ जाएगा ना भाई। 16 लीटर चाहिए, 16 लीटर का भी अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा अपने को। बट पेट्रोल पंप पर ना कुछ तो फ़र्क पड़ा भाई, पेट्रोल पंप पर ना कुछ तो फ़र्क पड़ा। चलो कस्टमर क्योंकि आ ही नहीं रहे, तुम कार लगाओ, मैं आ रहा हूँ इधर अंदर कस्टमर देख के। आज एम्प्लॉय भी हायर कर लेंगे भाई, आज ना अपन एम्प्लॉय भी हायर कर लेंगे तो कैसा अपने थोड़ा सा मदद हो जाएगी, मेरे को ही हर एक चीज़ करनी नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉय को आज अपन बुला ही लेते। 80.7, आज पेट्रोल किसी को भी ज़्यादा नहीं डालूंगा मैं। आई नो आई एम लाइटनिंग फास्ट ब्रो, तुम आओ तो सही, अभी थोड़े वक्त के बाद में तुम्हें यहाँ पर सारा जहाँ मिल जाएगा। चलो $971 हो गए, मैं इसके अंदर क्या वो कर सकता हूँ अभी है? बड़े वाला व्हीकल मेरे को चाहिए, फास्ट सर्विस। $1,000 यार, $1,000 चाहिए। चलो ठीक है, तब रुक गए तो थोड़ा सा और रुक जाते हैं। कब वक्त किसके पास कम है? दोनों के पास में कम है। पहले तू डाल दे भाई पेट्रोल, तेरे को 17 लीटर चाहिए स्टील अपने पास में, देख रहे हो ऊपर 200 लीटर अभी भी पेट्रोल रिजर्व है, ठीक है 200 लीटर है अपने पास। यार ज़्यादा डाल दिया मैंने पेट्रोल, कोई बात नहीं, $26 मिल गए, $997 डन, $1,002 हो गए। एक बार चक्कर तो पेट्रोल डालने आया ना, रुक जा तेरे को पेट्रोल डाल तो। अब तो भाई सामान नए वाले रूम का अपने पास में आ ही जाएगा। 21 लीटर का ऑर्डर है, वारी 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 नाइस। 20 लीटर डन, 21 पॉइंट। हमेशा मैं सबको ज़्यादा ही पैसे दे के जा रहा हूँ, पैसे नहीं पेट्रोल देकर जा रहा हूँ। हाँ चलो अब करते हैं फटाफट से ऑर्डर, अभी जब तक मेरा डिलीवरी वाला नहीं आ जाता ना, जब तक मैं वही करते रहूँगा, पेट्रोल ही डालते रहेंगे ताकि अपना टास्क भी कंप्लीट हो रहा है, होता रहे, न्यू टास्क मिलते रहे, एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता रहे, पैसा आता रहे। तुम्हारा कितना? 7.5 लीटर। चलो चलो भाई छुपो, थैंक यू। 185 लीटर बचा हुआ है अपने पास में बस। और कोई कस्टमर है? यार इधर के प्रोडक्ट थोड़े से ना कम हो गए, बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाने पड़ेंगे, बट मैं ये शेल्फ्स ना बेच दूंगा, बड़ी बड़ी शेल्फ मंगा लेंगे,
ये वाली रहने देंगे, बाकी जो बच्ची शेल्फ्स है ना ये सारी बेच देंगे अपन, और बड़े वाले फ्रिज मंगा लेंगे सब बड़ा बड़ा, क्योंकि बड़े अच्छे लगते हैं। बेचारी डिप्रेशन में लग रही है, देखो दीवार को घूरे जा रही है, तू क्या कर रहा है, दोनों पगले हो क्या हैं, इधर उधर खाली देखते हुए खड़े हो बस, ये भी डिप्रेशन में लग रहा है। चलो ठीक है कोई ना, कस्टमर एट फ्यूल कमिंग, आई एम कमिंग। ये वाला टास्क बस मेरा होने वाला है, ठीक है 16.5 लीटर वाला, बस पेट्रोल डाल दूँ उसको, मेरा जो टास्क था वो कंप्लीट। ओ अरे रुक जा यार, ज़्यादा पेट्रोल डाल दिया, अट होगा भाई, $250 इसके अलग से मिल गए अपने को, ठीक है। द वेयर हाउस कुछ तो मिला, इज़ नेसेसरी फॉर एम्प्लॉयज टू अनलोड डिलीवरीज, चलो ठीक है, ये तो समझ में आ गया। वेयर हाउस में कुछ हुआ क्या है? ना कुछ भी नहीं हुआ, मैं एम्प्लॉय हायर करूँगा पहले, उसके बाद में बाकी सारा काम करेंगे। अब क्या है, कंप्यूटर अपग्रेड, अनलॉक वन मोर शॉप पार्किंग लॉट, कुछ तो अपग्रेड करने के लिए बता रहा भाई, रुक जाओ पहले इतना काम कर देते हैं, फिर जाके पेट्रोल पंप बंद करता हूँ, उसके बाद फिर सोच विचार करेंगे कि और क्या करना। थैंक यू सो मच, चलो हो गया हो गया हो गया, मैं तुरंत बंद कर दे रहा हूँ भाई, तुरंत बंद कर दे रहा हूँ, हो गया, क्योंकि मेरा जितना टास्क था, मोटेल चालू रखेंगे, गैस स्टेशन बंद कर देंगे और ग्रोसरी स्टोर भी बंद कर देंगे। बंद हो गया बे, वापस जा, नहीं जाना तो कोई बात नहीं। अरे अरे अरे, यहाँ आके कहाँ सो रहा है पगले, हर जगह बस सोना ही है इसको। इतना सारा सामान आ गया, 1 2 3 4 5, और क्या है, और कुछ भी नहीं, 1 2 3 4 5, एक टाइम में इतनी चीजें आ रही है, 1 2 3 4 5 6, ब्लैंकेट भी आ गई, ब्लैंकेट क्या यहाँ से वो हो जाएगी पता नहीं मेरे को, ये भी, चलो 1 2 3 4 5, बस ये लास्ट का ही डिब्बा पड़ा हुआ है, होगा भाई डिलीवरी अनलोड, चल छूट, ब्लैंकेट का डिब्बा आया, कस्टमर एट शॉप, आई एम कमिंग कस्टमर, इज्जत के साथ महंगा वाला टॉविल मंगाया है हमने, टॉविल है या चादर है कुछ तो है वो, रुक जाओ देखते हैं, जो भी है बताओ तुमको क्या, 1 2 3 4, थैंक यू सो मच, तुम्हारे को क्या चाहिए, 1 2, थैंक यू सो मच यार, यहाँ पर से ना ओ टिप भी देखे क्या उसने, $1.5 की, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। हो गया भाई, ग्रोसरी स्टोर का भी पूरा काम कंप्लीट, सारी चीजें डन। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले मैनेजमेंट ने स्टाफ इसके अंदर करते हायर, में ये नेमा को ले लूँ क्या, अच्छी लग रही है नेमा, नो प्लेस इन स्टाफ रूम टू हायर अ न्यू एम्प्लॉय, मतलब मेरे को स्टाफ रूम वगैरह पहले अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, ये स्टाफ रूम है कहा, अच्छा $500 का स्टाफ रूम है ये, ग्रोसरी स्टोर के बगल में, या फिर कहाँ पर है, हाँ ग्रोसरी स्टोर के बगल में ही है, $500 का, चलो ठीक है $500 करते फिर हायर करेंगे, अभी तो सारे रूम रेंट पर दिए हुए, कोई भी खाली नहीं है, सामान तो आ गया ना अपने पास में, लेट्स गो। सबसे पहले मेरे को चाहिए हीटर, ठीक है हीटर हो गया, अरे रे 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 रे, ये सब नहीं करना बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर कलर टाइल्स ये सारी चीज़ें करनी है ना पहले, उसके बाद में टाइल्स ये पड़ी है ना मेरे पास में, तो मैं फ़िलहाल में ना यही वाली टाइल्स लगा रहा हूँ, क्योंकि फिर ये मेरा माल वेस्ट हो जाएगा, बेचूंगा भी तो लॉस में बिकेगा, तो मैं नहीं चाहता कि लॉस में बिके, इधर भी ये टाइल्स लगा दो, ये गैप छूट जाता है ना, वरना अगर ऐसे करके स्कैनर से बेचूंगा ना तो बिक तो नहीं रहा। चलो अब ये पड़े करके मैं बस ये वाले टाइल्स लगा रहा हूँ, ठीक है, इसका मेरे पास में स्टॉक ज़्यादा है, वरना मैं दूसरे वाली लगाता, ठीक है, तुम ये मत कहो कि तुमको डिज़ाइन करना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता, ठीक है, आता है अच्छे से नहीं आता बस, ठीक है। यहाँ तक ये टाइल्स, ये भी ख़त्म हो गया गड़िब्बा, चलो माल बस ख़त्म होने पे है भाई, इधर का हो गया, इधर का, नीट एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन, कलर मंगाना पड़ेगा, कलर के डिब्बे हो चुके हैं ख़त्म, ठीक है, कलर लगेगा मेरे को ज़्यादा बिल्कुल, एक काम करते चालू करते यहाँ से, ये सेक्शन हो गया, उसके बाद ये बिल्कुल बढ़िया, अब दिखाई नहीं दे रहा, लाइट लगा लेते हैं पहले, सीलिंग लैंप, ये वाला सीलिंग लैंप लगेगा एकदम बढ़िया वाला, अब अगर चालू करूंगा, हाँ देखो, अरे सच्ची में क्या मस्त लग रहा है ये, सच्ची में भी बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा, चलो इतना परफेक्ट ये भी यहाँ तक परफेक्ट, वेरी वेरी नाइस, इतने कलर में क्या सारी दीवार हो जाएगी, हैं
मेरे को नहीं लगता इतने कलर के अंदर ये वाली दीवार होगी कंप्लीट, जितनी भी हो रही है हो जाओ। एक दो डिब्बा है पड़ा हुआ, हो जाएगा इसके अंदर अपना काम। एक दो तीन चार पाँच दीवारें पूरी हो चुकी। अरे नहीं ये बचा है ना, हो गया ऊपर का कुछ। ऊपर के लिए कलर लगने वाला है और ये कलर हो चुका है अब पूरी तरीके से खत्म। ठीक है खाली डिब्बा, ये पेंट का डिब्बा, ये भी आधा है मेरे पास में। अभी मोटेल वगैरह वो सब बंद है तो देख रहे हो कितने सुकून से हम कलर और वो सारी चीजें कर पा रहे हैं, वरना इतनी गड़बड़ होती है भाई। ये काम करो वो काम करो सारे काम करने पड़ते हैं अपने को। यार ये भी पेंट का डिब्बा खत्म हो गया है मेरे को। अब ये लास्ट डिब्बा बचा है क्या, इसके अंदर भी आधा ही पेंट है। मेरे को नहीं लगता इतने पेंट के अंदर अपना काम हो जाएगा, पहले तो कॉर्नर्स जो रह गए हैं वो निपटा। अरे हो सकता है, चांस है चांस है। देखो हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, इसके अंदर तो अपना काम हो गया। वेरी 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 नाइस। अरे नहीं यार बाथरूम में थोड़ी कलर है, बाथरूम में भी तो कलर करना है ना अपने को। पहले इधर एक लैंप लगाते भाई, उजाला हो कम से कम क्योंकि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ अब दिख रहा भाई बिल्कुल अच्छा। इसके अंदर तो कलर नहीं होने वाला, बस इतनी दीवार होगी बहुत से बहुत और थोड़ा बहुत इधर इधर का। हाँ देखो इससे ज्यादा नहीं, पूरे डिब्बे खत्म। अगले जो रूम होंगे ना अपने पास में, जो हम न्यू वाले रूम बनाएंगे और काफी ज्यादा बढ़िया, वहां पर कलर अलग टाइल्स अलग सारी चीजें अलग करेंगे। वैसे ये वाले रूम को भी ना मैं जब ज्यादा पैसे आ जाएंगे ना तो ये वाले रूम को या अंदर का जितना भी सामान है ये सारा बेच देंगे और हर एक रूम को लग्जरी रूम बनाएंगे। हर एक रूम मैं बोल रहा हूँ ठीक है, हर एक रूम बनाएंगे बिल्कुल खतरनाक और टैटर है। जब तक चलो ये एक बेड, अरे इसकी ऐसी की तैसी, ये तो बहुत बड़ा बेड है बे, बहुत ही ज्यादा बड़ा बेड है। इसके अलावा बेडशीट मेरे पास में ये एक ही है, या फिर बेडशीट की जरूरत है। अरे जहां वहां लेट जाता है क्या तू, ये वाली बेडशीट लगेगी क्या नहीं इसके ऊपर। हाँ लग गई लग गई लग गई। अरे फिर उठ जाना, उठ जा आलसी इंसान, उठ जा, जहां वहां बस लेट जाता है। प्लेस हो जाएगी इसके ऊपर, प्लेस नहीं होना मेरे को उसको लगाना है। हाँ ये हुई ना बात, अब इसके बाद लगेगी ब्लैंकेट, बट ब्लैंकेट तो एक ही है यार इस पे ब्लैंकेट। हाँ लगी यार एक और ब्लैंकेट, मैं सोच ही रहा था मालूम मंगाने के लिए, गड़बड़ हो गई वो। चलो ठीक है कोई ना, लाल कलर के पिलो। ये तुम सोच रहे हो कि लाल कलर के पिलो मैं क्यों मंगा रहा हूँ, लाल कलर के मैं इसलिए मंगा रहा हूँ क्योंकि इसका पैसा सबसे ज्यादा अपने को मिल रहा है। ठीक है सबसे ज्यादा जो बोनस है वो ये लाल वाले पिलो के मिल रहा है, इसीलिए लाल वाला मंगा रहे हैं। और होटल के हिसाब से ये सब चटक मटक थोड़ा सा अच्छा लगता है ना। ये लग क्यों नहीं रहा, ये लग जाना, एक एक तकिया लगाने इतनी देर लग रही भाई। बैठ गया अब बिल्कुल परफेक्ट, इसके बाद में बिल। अरे ना अरे है तो सही यार, मैं नूब हूँ सच्ची, मैं आके खोल के देखता ही नहीं हूँ। ये देखो मंगाया तो सही मैंने, बेडशीट ब्लैंकेट पिलो डोर। ठीक है डोर लगेगा एक यहाँ पर, डोर लगेगा दूसरा वाला यहाँ पर। ठीक है ये हो गया डोर का काम। इसके बाद में अपने को लगेगा बाथटब जो कि रूम के अंदर आएगा, इधर नहीं इधर कलर करेंगे उसके बाद में फिर वो लगेगा। ठीक है सीलिंग लैंप लगा दिया, सिंक लगा दिया, सिंक लगा सकता हूँ मैं क्योंकि देखो इधर कलर में नहीं 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 सिंक नहीं, इधर की दीवार बची हुई है ना, आई एम सॉरी, सिंक को मैं टेम्परेरी रख दो इधर ही। उसके अलावा और टॉवेल टॉयलेट पेपर हीटर, हाँ हीटर प्लेस कर सकते हैं अपन, महंगा वाला हीटर लगा दिया। अब तक का ये सबसे महंगा रूम है बट इसके अंदर ज़्यादा सामान नहीं है, अपने को सामान चाहिए बहुत ज़्यादा। चलो इसका काम हो गया, इसको टेम्परेरी अभी रख देते इधर साइड में और कलर वालर ऑर्डर करते क्योंकि $350 है मेरे पास में। एयर कौन से रूम की चाबी है, रूम नंबर 4 की चाबी है ना, बट ये रेडी नहीं है ना सर। ये रहा पेंट, पेंट के मैं 1 2 3 4 5 6 7 नहीं यार इतने ज्यादा नहीं, 1 2 मंगा लेते अभी सिर्फ 2। ठीक है और इसके अलावा और क्या चीज मंगा सकता हूँ मैं, हीटर तो मंगा दिया, एसेसरीज मंगा लेते। ठीक है अच्छी वाली जो सबसे बढ़िया वाली, मिरर नहीं लगाया ना अभी तक हमने, ये वाला ये गोल मिरर लगाते ये $450 दे रहा है अपने को। ठीक है और ये सस्ता भी है, ये $25 का बट इतना कुछ खास नहीं है, भी $450 ही अपने को बोनस में देगा। तो एक मिरर मंगा लेते टॉयलेटरी के अंदर, अभी ये शैम्पू वैम्पू नहीं, बुक्स के अंदर ये नहीं, होल्डर नहीं, कारपेट मंगाते कुछ देर बाद। पुलिस वाला फिर आ गया, हाँ एसी चाहिए मेरे को, एक एसी एक आउटडोर। उसके बाद में यार बजट के बाहर ना चला जाऊँ मैं, ये $2.5 $2.5 $5 $5 ये बड़ा वाला $56 का फ़ैन मंगाते, कारपेट नहीं, इलेक्ट्रिक, ये ड्रॉअर हो चुके,
ड्रॉवर महंगा वाला आ रहा है $100 का, ये भी $100 का यार, सारे $100 के, $100 का मंगाऊंगा ना बजट के बाहर चले जाऊंगा, देखना 346। अरे ना हो रहा है, बट गाड़ी के अंदर वो नहीं होगा ना, ड्रॉवर कैंसिल, ड्रॉवर कैंसिल। फिलहाल इतना माल ऑर्डर मीडियम व्हीकल में आएगा फटाफट से। हाँ मीडियम वाले व्हीकल में आ गया। हा, अच्छा लग रहा है भाई, अब काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ये दरवाजा देख रहे हो तुम, दरवाजा देख रहे हो कितना खूबसूरत है, बाहर से यूनिक वाला रूम दिख के आ रहा है। कर्टन्स मंगा लेने चाहिए थे, बट ठीक है चलो कोई ना, अभी इतना तो हो गया। वॉशिंग मशीन खाली पड़ी, कुछ धोने के लिए है ना? धोने के लिए कुछ भी नहीं है। चलो एक बार सोने से पहले ना, रूम कब खाली होगा, 3 मिनट में खाली होगा, 14 मिनट में या 46 मिनट में, मतलब तीनों रूम ऑलमोस्ट खाली हो गए। जब तक सेठ जो है वो थोड़ा सा आराम फरमा लेंगे। डिलीवरी एट वेयर हाउस आ भी गया भाई बंदा, चलो मेरे लेटते के साथ में आ गया। पहले स्टाफ रूम बनाना है अपने को, ठीक है, 1 2 3 4 5 सारी चीजें बिल्कुल, 1 2 ओ सारी चीजें आ गई। कलर लेके चलते हैं ना, और कुछ है अंदर? हाँ मिरर है ना, हाँ मिरर। हेलो भाई, मिरर भी इधर ही प्लेस। चलो भाई डिलीवरी वाले, थैंक यू सो मच, हाँ आने के लिए थैंक यू सो मच। 1 2 एक ही बकेट लगने वाली है, तो एक ही लेकर चलते, एक ही के अंदर पूरा बाथरूम पेंट हो जाएगा। पहले चालू करेंगे ये दीवारी, उसके बाद ये दीवारी, उसके बाद ये वाला, और ये जो छूट गया ये छोटा सा पैच जो दिख रहा है इसको भी कलर करना है। ये ये हुई ना बात, बिल्कुल प्रोफेशनल है भाई, हम बिल्कुल प्रोफेशनल। दीवारें तो हो गई, बची है सीलिंग। सीलिंग तो आई गेस एक ही बारी में हो जाएगी, हाँ हो जाएगी, एक ही बारी में हो जाएगी। इतना इतना इतना, चलो डन। ये भी रूम अप रेंट पे देने लायक हो चुका है, ठीक है। बस इसके अंदर जो चीज़ें हमने फैला रखी है इसको लगा दो, ये भी रेडी। इसके बाद में अपने को और क्या चाहिए था, यहाँ पर हीटर लगा दिया, टॉयलेट पेपर, टॉयलेट, ए टॉयलेट भी तो मंगाया मैंने, नहीं टॉयलेट नहीं मंगाया था ना, बाथटब भाई। सीलिंग लैम्प डोर इतना नहीं, कर्टन रूम डोर इलेक्ट्रिक, हाँ इलेक्ट्रिक के लिए मेरे को यहाँ पर वो चाहिए सबसे पहले तो। अरे ये बीच का कलर रहा हुआ है ना, ये देखो मैं वही तो सोचूं, मैं शेड समझ रहा था इसको, मेरी नज़र ही नहीं पड़ी वाले उस पर, है तो सही मेरे पास में कलर का डिब्बा। इतने में तो पेंट हो जाएगा, हाँ हो जाएगा कभी भी। ये लो अच्छे से चेक कर लो भाई, कुछ रह गया? नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा, 100% काम चल रहा है अपना। अब लैम्प को चालू करने से पहले लगाते हैं बेड के ठीक ऊपर फैन, ठीक है, ठीक बेड के ऊपर इतना, हाँ ये सही है, बेड के एग्जैक्ट भी ऊपर अच्छा नहीं लगेगा ना, थोड़ा ऐसा सिंक करके लगाने के लिए कुछ होना चाहिए था, एकदम जैसा परफेक्टली अलाइन करके लगाते हैं ना वैसा कुछ होना चाहिए था, बट ठीक है चलो। ये लाइट लग गई, लाइट को यार ये लाइट थोड़ा सा वो करेगा, इतना सही है, हैं काही उजाला हो रहा, गंदा वाला एकदम। चलो ठीक है अब हो ही गया तो हो गया। एसी लगा यार, ये एकदम यार इसमें मज़ा नहीं आ रहा ये वाले डिज़ाइन में, हैं एसी बेड के ऊपर साइड में लैंप जो है, लैंप को कहाँ लगाओ यार, लैंप को इधर से लगा दे, हैं ऐसा भी तो चलता है। एसी फैन लैंप के अंदर मज़ा नहीं आ रहा, ये कुछ कुछ इधर ट्यूबलाइट वगैरह होती ना वो ज़्यादा अच्छी लगती, ये लैंप ना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। चलो ठीक है कोई ना, एक आउटडोर यूनिट है, रूम के अंदर तो लगा नहीं सकते, रूम के बाहर लगेगा, उल्टा नहीं ऐसा है ना ये आउटडोर यूनिट, बट ये काम क्यों नहीं कर रहा मेरे समझ नहीं आ रहा। चलो इतना तो काम हो गया, और क्लोजेट, डेस्क, टेबल, सीट, कर्टन, इसमें से हाँ मिरर है, मिरर लगेगा इधर साइड में। ये अभी मैं इसको रूम को मतलब रेंट पे देने वाली सर्विस चालू कर दूंगा, बाद में और पैसे जब आ जाएंगे ना तो यहाँ पर सामने मैं बेड को इसलिए इधर लगाया कि सामने आएगी टीवी, टेबल, इधर साइड में क्लोजेट वगैरह वो सारी चीज़ें भी आएगी, इसलिए अभी जैसा है वैसा चालू कर दो। फैन का यार, फैन में मज़ा नहीं आ रहा, हाँ एक काम करते फैन को लगाते अपन इधर साइड में, ठीक है, और लाइट को यार ये सब लाइन में आ जाएगा, बट चलो लगा के एक बार चेक कर दो अब अच्छा लगेगा। हाँ ये तो थोड़ा सा डिसेंट लग रहा, हाँ ये थोड़ा सा डिसेंट लग रहा है, पेन इतना बिल्कुल परफेक्ट, यस ने थोड़ा सा ऐसा, हाँ ये एकदम बिल्कुल परफेक्ट है। चलो ठीक है
एक बार जाकर चेक कर लेते हैं रूम के अंदर। हाँ सॉकेट 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 सॉकेट। ओह तुम कब से खड़ी हो यहाँ पर? आई एम सॉरी आई वॉज इन रूम वन चेक आउट, थैंक यू सो मच। हेलो ये रूम वन क्यों ऐसी की तैसी कर दिए इन्होंने? अपने को चाहिए सॉकेट ना, एक सॉकेट से ही काम हो जाएगा आई गेस। जैसा भी होगा थोड़ा चिपका कर इसको। आहा एसी चालू, फैन चालू, लाइटें चालू, मिरर लगा हुआ है, बस चेक करना है अपने को। रूम थ्री में थी ना तुम? नहीं रूम वन में, हाँ रूम वन में थी। ज़्यादा तो गंदा नहीं है, थोड़ा बहुत ही गंदा है। कुछ है इधर कूड़ा कचरा? नहीं बस झाड़ू पोछा करना है। अच्छा है चलो ये वाली लड़की ने ज़्यादा कचरा नहीं करके गई यहाँ पर, थोड़ा बहुत ये थोड़ा बहुत इतना तो चल जाता है। एक दो तीन सीधा जाएगा ये सब वॉशिंग मशीन में। मशीन चालू, एक टॉवल, टॉयलेट पेपर, ब्लैंकेट, चादर, ठीक है। सबसे पहले बिछे का नहीं टॉवल, उसके बाद में टॉयलेट पेपर, ये ब्लैंकेट और ये चादर, ठीक है। हाँ क्या स्पीड हो गई भाई अपनी, सच्ची में भी तरक्की कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से ऐसे काम कर रहे हैं। हाँ चलो ये हो गया काम। अब कहाँ की आवाज़ आई है? वॉशिंग मशीन की आवाज़ है? ओ वॉशिंग मशीन की आवाज़ है इतनी जोर की। मोटेल चालू है बट कस्टमर क्यों नहीं आ रहे नहीं पता। चलो ठीक है, नॉट रेडी, व्हाट नॉट रेडी? यहाँ पर क्या चीज़ की टॉवल, टॉयलेट पेपर और टॉयलेट नहीं है ना? अरे हाँ रूम में टॉयलेट ही तो नहीं है। टॉयलेट पेपर और टॉवल तो मैं लगा देता हूँ, देखो ये टॉवल नहीं, ये टॉवल आ गया, ये टॉयलेट पेपर आ गया, ठीक है। पहले टॉयलेट पेपर उठाना पड़ेगा फिर टॉवल, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आ गई, एक महिला आई, एक महिला आई। यार भाई सिर्फ टॉयलेट के पैसे नहीं हुए अपने पास, सिर्फ टॉयलेट के नहीं हुए। टॉयलेट पेपर इधर ऐसा रख देते हैं, टॉवल भी, टॉवल यहाँ आएगा, टॉवल को बेड पे रख देता हूँ और टॉयलेट पेपर को भी बेड पे। आ रू एक मिनट, टॉयलेट और टॉयलेट पेपर बेड पे, सिर्फ टॉयलेट लगाना है इधर बस, और कुछ भी नहीं लगाना। टॉयलेट के जितने पैसे चाहिए मेरे को बस। रूम वन की चाबी है ना अपने पास में? हाँ मैम आपको क्या चाहिए? ओके होल्ड ऑन, ये लीजिए, आपको रूम चाहिए था ना, थैंक यू सो मच, टेक दिस रूम। कितने घंटे के लिए? $83, सिर्फ 12 घंटे के लिए चाहिए, थैंक यू मैम। $141 में तो टॉयलेट आ जाएगा शायद से। ये टॉयलेट $80 का आ रहा है ना? अरे हो गया भाई $100 में अपने को, स्मॉल व्हीकल में अर्जेंट अगर मंगाएंगे $140। एलो एलो एलो, चलो मैं जब तक आने तक सो जाता हूँ, एक ही सेकंड के अंदर आ जाएगा, फिर ये वाला रूम भी दे देंगे अपन रेंट पे। आजा डिलीवरी वाला आ गया, क्या स्पीड में काम कर रहा है भाई, फुल तहलका, फुल चिंगारी, फुल आतंक गोली बिल्कुल। वेयर हाउस में कोई चीज़ नहीं है, जा हो गया भाई निकल ले, बाय 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 बाय। हो गया हमारा रूम फोर भी रेडी, यहाँ लगाएंगे हम टॉयलेट, उसके ऊपर आएगा टॉयलेट पेपर, उसके टॉवल को इधर ही रहने देते, ठीक है। होगा भाई हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। अब ये वाला रूम भी मैं बिल्कुल आराम से रेंट पर दे सकता हूँ। रूम फोर भी अपने पास में रेडी है। यस देखो सारी चीज़ें रेडी, $70 देगा अपने को ये, बाकी ये तो ऑलरेडी रेंट पर गए हैं, ठीक है। चलो सो जाओ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पैसा सीधा उठूंगा ऐसा पैसा लूंगा, उठूंगा पैसा लूंगा सो जाऊंगा, उठूंगा पैसा लूंगा सो जाऊंगा, बस अभी कब तक सोना है सो, जब तक सोना है सो। कस्टमर ऑफिस आया 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 आया। रूम आई वॉज इन रूम, अच्छा चेकआउट के लिए आया ना। यू टू मैम, यू टू, रूम टू के अंदर थी मैम, ये रहा रूम टू। अरे भाई ये तो क्या तहलका मचा के गई है रूम के अंदर, हैं पूरे रूम के अंदर देखो कितनी मिट्टी है, बट चलो मिट्टी ही है और तो कुछ है नहीं। एक दो तीन चार और पाँच, कुछ है और ना, दो बेडशीट एक बारी में, रुक जाओ, दो तीन चार पाँच, एक दो तीन, तीन चीज़ें तो आ गई, ये ब्लैंकेट नहीं, ये ब्लैंकेट, ये टॉवल, ठीक है। बट मेरे को अभी चाहिए एक टॉवल, एक चादर, दो चादर, दो ब्लैंकेट, ये दो दो चीज़ें चाहिए मेरे को, क्योंकि ये डबल बेड वाला है ना। टॉवल यहाँ पर, एक चादर यहाँ से, एक चादर यहाँ से, एक ब्लैंकेट यहाँ से, एक ब्लैंकेट यहाँ से, बस यहाँ पर टॉयलेट पेपर की कमी है। टॉयलेट पेपर भी, ए लो भाई टॉयलेट पेपर भी लगा देते हैं। हो गया एक ही सेकंड के अंदर रूम टू भी अपना रेडी हो गया है।
वेरी नाइस। अब ये जो गंदा कूड़ा कचरा है एक बारी में तो इसके अंदर जाएगा नहीं, मतलब मेरे को वॉशिंग मशीन यहाँ पर और मंगानी पड़ेगी। हाँ। मेरे अकाउंट में सिर्फ 2 रुपये पड़े, ठीक है। रूम कौन से कितनी देर में खाली हो गए? ये रेडी 2 रूम खाली पड़े हैं मेरे पास में। ये 2 मिनट के बाद आएगा, ये आधे घंटे बाद आएगा। चलो ठीक है, जब तक सो जाओ कस्टमर, जब आएंगे। अरे मेरे सोने तक आ भी क्या, क्या क्या चाहिए मैम आपको? ओके होल्ड ऑन, तुम नहीं, तुमको रूम चाहिए 1 घंटे के लिए ना? ओ सॉरी, 1 सिंगल बेड चाहिए ना? अरे यार चाबी क्यों फिक्र हूँ मैं। हेलो मैम, आप room 4 के अंदर जाइए। $385 $385 ओके, room 2 स्टिल अवेलेबल है। सो जा भाई, चिल। जितनी देर सुनो, काय की आवाज आई? कोई आया? नहीं ना, गार्बेज बैग पूरा भर गया। चलो, हमने कम से कम ना $2,000-3,000 कमाए। इधर देख रहे हो, 2 स्टार हमारे फुल होने वाले हैं बस। वेरी नाइस, जिसमें से 1 ब्लैंकेट, 1 चादर, नहीं 2 ब्लैंकेट धोने में ज़्यादा लगते क्या? ठीक है, 1, 2। 1 सेकेंड मैम, मैं इतनी मशीन ऑन कर दूँ। आपको क्या चाहिए? room 4, 1। अच्छा चेकआउट है तुम्हारा? तुम्हारा कौन से रूम का? room 1 का चेकआउट है। ये room 1, ये room 2, 2 रूम खाली पड़े हैं। अरे वाह 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 भाई साहब, वाह वाह वाह, बैंड बजा दी पूरे रूम की बैंड बजा दी इसने। कोई बात नहीं, मेरा तो रोज का काम है, तुम टेंशन मत लो। तुम्हें जितनी बैंड बजानी है तुम बजाओ, तुम्हें जो करना है करो। झाड़ू पोछा ज़्यादा गंदा नहीं किया था, है ना? नीट एंड टाइडी, नीट एंड क्लीन। 1, 2, 3 फेंक रहे जब तक धुल रहा है तो। 1, 2, 3 टॉयलेट पेपर भी चाहिए अपने को, ये 1 टॉयलेट पेपर। बताओ, ये टॉवल, ये ब्लैंकेट, उसके ऊपर चादर और ये टॉयलेट पेपर। क्या स्पीड बढ़ गई अपनी फुल तहलका। सो जा। कम से कम $1,200-1,500 आज हमने कमाए भाई। 1,200-1,500 या हो सकता है $1,200-1,500 से भी ज्यादा। तुम्हें क्या चाहिए? 48 आवर्स के लिए रूम चाहिए तो ये लो, तुम्हें 1 सिंगल रूम चाहिए तो ये लो, टेक दिस रूम, जाओ टेक पेमेंट $240। अब पैसे जोड़ूंगा 1,500 डॉलर तक, फिर एक बारी में इकट्ठा ढेर सारा सामान मंगाएंगे, ठूस देंगे रूम के अंदर, ठूस। कितना सोगा भाई यार, 1 रूम अभी भी मेरे पास में खाली पड़ा है। मेरे को चाबी चाहिए यार, रूम मिल जाओ बस। सॉरी रूम नहीं, रूम है, कस्टमर आ जा बस। कितनी देर से तो मैं सो रहा हूँ भाई, फ्रेश उठ भी गया बट वो नहीं गया, कस्टमर नहीं आया। चलो ठीक है कोई ना, टॉवल चादर, 1, 2, 3 वॉशिंग मशीन ऑन, कचरा यहाँ से गॉन। $628 अब कब खाली होगा बे? अब कितनी देर है रूम खाली होने के लिए? 14 मिनट, 46 मिनट, 32 मिनट। room 2 स्टिल खाली पड़ा हुआ है। $628 जब आ गए तो हम कुछ और चीजें ऐड करते हैं, एसेट बनाते हैं, ठीक है। जैसे अपग्रेड के अंदर देखो, न्यू पार्किंग लॉट मैं खोल सकता हूँ, ठीक है। ये $500 का आ रहा है यार भाई, कार डीलर ने चाहिए एड्स तो रहने दो। वैसे अपग्रेड के अंदर भी बहुत सारी चीजें, शॉप को तो अभी अपग्रेड नहीं करना, वेयरहाउस को भी नहीं, स्टाफ रूम एक बार अपग्रेड करने का सोच सकते हैं। बाकी ये मोटेल की पार्किंग है, ये इतना भी ज्यादा अभी उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कुछ और सोच रहा हूँ, मतलब वहां पर बगैर काम किए पैसे आ जाए। पे फोन दैट कस्टमर कैन यूज, अरे ये $300 का आ रहा है। अरे वाह ले भाई, ए लो रुक जाओ, अभी तो 1 लगाया। उसके अलावा और क्या है? एडवर्टाइजमेंट, ये एडवर्टाइजमेंट वाला अच्छा बोर्ड रहेगा क्या कहीं पर? मेरे को दिख नहीं रहा। इंक्रीज मोटेल पॉपुलैरिटी बाय 20%, या फिर ये शॉप स्पेस बढ़ा सकते हैं, वेयरहाउस को इंक्रीज कर सकते हैं, फ्यूल की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, पेट्रोल ज्यादा आएगा, या फिर एक और रूम। फोन पे ज्यादा बेटर है बट स्टिल मैं और कोई चीज चेक करता हूँ। रुको, ये बस पार्किंग का अगर करूंगा बट इसके लिए $750 लगेगा। यहाँ पर बस आएगी, बस स्टॉप पर कस्टमर्स ड्रॉप करेगी और चली जाएगी, जिससे हमारा कस्टमर फ्लो आ जाएगा, बट ये $750 का है। चलो ठीक है, एक काम कर रहे हैं, मैं यहाँ पर फोन अपग्रेड और लगा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में सिर्फ 28 रुपए पड़े हुए,
और प्राइसिंग की अगर देखे तो उसका भी प्राइस मैं बढ़ा सकता हूँ या फिर नहीं बढ़ा सकते है? नहीं ना, उसका प्राइस नहीं बढ़ा सकते है। अब नेक्स्ट टारगेट है स्टाफ रूम का, क्योंकि मेरे को चाहिए अब एम्प्लॉयज। यहाँ पर कस्टमर देखो अब आएंगे, यहाँ से मेरे को ना ऑटोमेटिक पैसा मिलता रहेगा यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर पैसा जमा होता रहेगा और मैं आके फिर पैसे कलेक्ट कर लूँगा यहाँ से। हाँ, आज के दिन तो भाई बहुत ज़्यादा काम कर लिया, सच्ची में भी बहुत मज़ेदार और बहुत सही तरीके से काम किया आज हमने। पुलिस वाले भाई साहब, तुमको जो चेक करना है करो, मैं जा रहा हूँ, जाकर अब थोड़ा सा आराम कर दो। और हम आज के एपिसोड को बस यहीं पर एंड करते। एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और नए आए हो चैनल पर इन्जॉय किया तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पर मैं ऐसे ही बड़ी बड़ी गेम प्लेस लाता रहता हूँ। अभी और भी नए नए गेम प्लेस चैनल पर आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। बाकी अपडेट्स के लिए भाई इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, सारी चीज़ों का लिंक तुम इंस्टाग्राम पर प्यार ही नहीं बता रहे। यहाँ पर हम 5-5.5 लाख के पार जाने वाले हैं। सेकंड चैनल पर 80,000 हो चुके हैं। यहाँ पर 4,35,000 है, इससे ज़्यादा 5 लाख से ज़्यादा है हम। बट इंस्टाग्राम पर 10,000 भी नहीं, मतलब क्या। वहाँ पर भी 1-2 लाख कर दो, वहाँ पर भी प्यार बताओ। बाकी यस, मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में। वैसे एक चीज़ बतानी थी, अभी कितने बजे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ देख रहे हो क्या? अभी रात के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं देखना, क्लियर दिख रहा है क्या? रात के 1:38, अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 1:45 होने आए, और मैं अब सोने जाऊंगा भाई। नहीं, अभी थोड़ी सी एडिटिंग करूंगा, उसके बाद सोने जाऊंगा। तो यस, मिलता हूँ मैं आप सभी से अगले एपिसोड में। जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।